देखिए जो एनसीईआरटी जो दर्शा रही है बाबरी मस्जिद का तीन गुम्बज हटा करके जब से आदेश हुआ है कोर्ट का तब से, तो इसमें यह सब टूटियां हैं, सब कमी है। कमी ये है कि ये तो तीन गुम्बज तो हट गया 6 दिसंबर बानबोग को ही, और वो 19 जब आदेश हुआ है 9 नवंबर 2019 में तब से ये दर्शा रहे हैं। उसके बाद 6 दिसंबर 2023 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई, जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है, इनके जो एनसीईआर की पुस्तक में बनाई जा रही है, और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है, और ये सब कुछ न दर्शा करके तब से दर्शाएंगे जब से कोर्ट का आदेश हुआ है यह 9 नवंबर 2019 से, तो इसी स्थिति में अधूरा है। और यह जो लोग इसके संबंध में जानना चाहेंगे यह इतिहास, वो अधूरा रहेगा। उनको आगे पीछे की जितनी घटनाएं हुई हैं, न 23 दिसंबर 1949 के रामलला के प्रकट होना दिखाई देगा, न 6 दिसंबर 1992 को गिर गया उसको दिखाई देगा, तब यह अधूरा है और यह मान्य नहीं है। देखिए जो एनसीईआरटी जो दर्शा रही है बाबरी मस्जिद का तीन गुम्बज हटा करके जब से आदेश हुआ है कोर्ट का तब से, तो इसमें यह सब टूटियां हैं, सब कमी है। कमी ये है कि ये तो तीन गुम्बज तो हट गया 6 दिसंबर 1992 को ही, और वो 19 जब आदेश हुआ है 9 नवंबर 2019 में तब से ये दर्शा रहे हैं। उसके बाद 6 दिसंबर 2023 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई, जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है, इनके जो एनसीईआर की पुस्तक में बनाई जा रही है, और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है, और ये सब कुछ न दर्शा करके तब से दर्शाएंगे जब से कोर्ट का आदेश हुआ है यह 9 नवंबर 2019 से, तो इसी स्थिति में अधूरा है। और यह जो लोग इसके संबंध में जानना चाहेंगे यह इतिहास, वो अधूरा रहेगा। उनको आगे पीछे की जितनी घटनाएं हुई हैं, न 23 दिसंबर 1949 के रामलला के प्रकट होना दिखाई देगा, न 6 दिसंबर 1992 को गिर गया उसको दिखाई देगा, तब यह अधूरा है और यह मान्य नहीं है।